हे गाइस, निशा हियर फ्रॉम दुबई। तो यस गाइस, यहाँ पे मैं रेडी अपना यूनिफॉर्म पहन के, तो आज का हम लोग ऑर्डर करेंगे। पूरा आज का ऑर्डर था मेरे पास, तिकोनी मट्ठी बनानी थी मुझे। तिकोनी मट्ठी जो हम लोग मैदा से बनाते हैं, वो टी टाइम स्नैक्स, तो जो कि हम लोग इसको चाट में भी यूज़ कर सकते हैं और कई सारे, तो इस काइंड के ऑर्डर मैं लेते रहती हूँ और मेरे पास ऐसे ऑर्डर आते रहते हैं। और बाकी भी मैं टिफिन सर्विसेज वगैरह, तो कभी कोई कोई ऑर्डर आते रहते हैं। तो यहाँ पे आज का ये जो ऑर्डर था मेरा, ये था तिकोनी मट्ठी का। तो फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने ऑर्डर की तैयारी, जो कि आधा किलो मुझे बना के देनी थी। और तो यहाँ पे मैं और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मट्ठियाँ बनाकर देती हूँ, पर आज मुझे प्लेन सिंपल नमक और अजवाइन वाली मट्ठी बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन ऐड कर दी थी, आधा किलो मैदा ले लिया था, इसमें नमक ऐड करके, और मैंने अच्छा प्योर पीनट का ऑर्गेनिक ऑयल यूज़ किया था, और थोड़ा सा आधे से भी आधा चम्मच इसमें थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया था, और फिर बाद में पानी के साथ इस आटे को अच्छे से लगा लिया था। काफ़ी अच्छा लोच लगाया, जितना अच्छे से आप लोच लगाओगे इसमें और जितना देर इसको भिगो के रख सकते हो, भिगो गई है आधी एक घंटा डेढ़ घंटा, ताकि ये आटा काफ़ी अच्छे से बन के फूल जाए। जितने अच्छे से आप इसको टाइम दोगे फूलने के लिए, रखोगे इसको, तो उतना अच्छे से क्रिस्पी ये बनती है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपना आटा, यहाँ पर ये पूरा मैंने ऐड कर लिया था। यहाँ पे हम लोग पानी के साथ इसे लगाएंगे, तो फिर पानी ले रही थी मैं यहाँ पर, और बस फिर क्या देर, बिना देरी करते हुए मैंने इसे फटाफट आटा बना लिया था इसका। तो यस, ऐसे कई बार घर के काम के साथ साथ ये काम भी एक्स्ट्रा के रहते हैं, ऑर्डर्स पे चलते रहते हैं, ऑर्डर आते हैं और रेगुलर के टिफिन्स तो होते ही है, तो ये सब कुछ चलते रहता है। और ये एक ईजी, इतना ईजी टास्क नहीं है दो छोटे बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना, बट हो जाता है अगर इच्छा हो तो। तो यहाँ पे मेरा आटा लग चुका था, अब मैं इसे अच्छी तरीके से भिगोने के लिए रख दूँगी, और जब ये अच्छे से भीग जाएगा एक घंटे बाद, तब फिर हम लोग इसे अच्छे से बनाएंगे। तो आप देखिएगा मैं किस तरीके से बनाती हूँ फटाफट। तो ये पूरे अच्छे से मैंने लगा लिया, अब मैं इसे भिगा के रखूँगी। मैं मेरी निकाल दी थी, बिकॉज रिंग में आटा सब कुछ लग जाता है, फिर वो निकलने में बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे हैंड वॉश कर लिए थे मैंने, यहाँ पे अपने हैंड क्लीन करके आटे को हम लोग अच्छी तरीके से अपना टाइम देंगे भीगने के लिए। और फिर इसी के साथ मैंने तैयारी की थी ये जो टिश्यू पेपर है, टिश्यू रोल पे पेपर्स, क्योंकि मेरे पास यहाँ दुबई में न्यूज़पेपर नहीं है। वैसे तो न्यूज़पेपर्स आते हैं मतलब यहाँ पर मेरे पास नहीं थे अवेलेबल, मेरे घर पे नहीं आता है न्यूज़पेपर, तो मैं यहाँ मोस्टली, और दुबई में तो आपको पता है, आपने कई सारे रील्स भी देखी होंगे, टिश्यू की भरमार होती है। तो यहाँ पर मैंने अपना टिश्यू बिछा लिया था अच्छे से, इसके ऊपर मैं सुखाऊँगी जो मैं मट्ठी बनाऊँगी उसे। तो यहाँ पर टिश्यू आ गया था मेरा, और बस फिर अब हम लोग क्या, बिना देरी करते हुए हम लोग फटाफट बनाते हैं। आप देखिए मैं किस मेथड से बनाती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं जब बनाते टाइम पे भी मैंने काफ़ी अच्छे से इसे लोच दिया था हाथों से, फिर यहाँ पे एक बड़ी सी रोटी बना ली मैं, एक एक नहीं बनाती हूँ। तो आप भी, आपको भी हो सके मेथड अच्छी लगे, क्योंकि इसमें एक बार में कई ज़्यादा बन जाती है। अगर आप घर के लिए 8, 10, 15, 20 बना रहे हो तो ठीक है, बट आपको जब ऑर्डर्स पे आप इसे बनाते हो कई सारी, तो फिर आपको कोई शॉर्टकट ढूंढनी पड़ती है। तो ये मेरा शॉर्टकट है, यहाँ पे मैं एक बड़ी रोटी बना लेती हूँ, और फिर उसके बाद आप देखिए मैं आगे कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने बड़ी रोटी में से छोटे 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 सर्कल्स बना लिए थे, छोटे छोटे सर्कल्स में से मैंने, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीसेस निकाल लिए थे, छोटे छोटे पीसेस निकाल के जो लेफ्ट ओवर आटा था वो मैंने फिर से उसमें ऐड कर दिया था। और यहाँ पे छोटे छोटे जो मेरी टिक्की बनी है गोली, तो यहाँ पे मैंने देसी घी लगाया। देसी घी, जब आप तेल भी लगा सकते हो, पर देसी घी से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खाने में मजा आता है और एकदम क्रिस्पी सी भी बनती है। तो यहाँ पे मैं ऐसे एक साथ 8 से 10 ये बना रही थी छोटी छोटी टिकली, और फिर इसी में घी लगाते, घी दोनों साइड फोल्ड से लगाना है, हाफ में भी और क्वार्टर हाफ में भी। और यहाँ पे फिर मैंने सुखाने के लिए साइड बाय साइड रख रही थी। तो ये देखिए कितनी स्पीडली फटाफट हो जाती है अगर आप इस तरीके से बनाते हो। एक साथ पहले पूरे सभी को लगा दी थी, और फिर एक साथ सारी क्वार्टर हाफ को लगा दी थी, और बस इनको छोटे छोटे सा बेल कर सुखाने के लिए हाथों हाथ रख दी थी। तो ये मेरी एक शॉर्टकट मेथड है, इससे बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है और मुझे बहुत इजी मेथड लगती है ये।
हम देख सकते हो यहाँ पे जब मेरी बहुत सारी बन गई थी तो रिदम मुझे हेल्प कर रहा था, रिदम ये सारी उठा उठा के एक प्लेट में एक सीक्वेंस में लगा रहा था। ऐसी चीजों में रिदम मुझे हमेशा हेल्प करता है। और क्योंकि ये था शाम का समय, तो फिर यहाँ पे मैंने तेल, अभी मेरी सारी बन के रेडी हो गई थी सूखने के लिए रखी थी, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। और तो मुझे तेल थोड़ा कम लग रहा था, मैं तेल इसमें और ऐड करूंगी। और साइड बाय साइड में चाय भी चढ़ा दी थी, तो यहाँ पे मैंने मिल्क ऐड कर दिया था। अब मैं यहाँ पे शुगर, चाय पत्ती, टी मसाला ये सब ऐड करके अपने लिए बनाऊंगी एक अच्छी सी चाय। और तब तक ये तेल गर्म होता है और फिर हम लोग करेंगे इन्हें फ्राई। और फ्राई होने के बाद देखिए आप इन्हें कितना अच्छा कलर आता है, कितनी अच्छी लगती है। आप मतलब अगर ऑर्डर्स नहीं भी लेते हो, आप अगर घर में भी बनाना चाहो ना, जब आप कुछ चाट बनाते हो या शेव पूरी ये सब कुछ, तो आप उसमें ये ऐड कर सकते हो। मतलब आप घर में इसे बना सकते हो, तो आपके पैसे भी बचेंगे और बहुत अच्छी भी लगती है। आप जरूर ट्राई करके देखना इस चीज़ को। तो यहाँ पे साइड बाय साइड जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मैं उन्हें फ्राई कर लूंगी। ये मेरी सूख गई थी, तो अब हम लोग डालते हैं वन बाय वन। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो ये मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं इसे कई सारे फ्लेवर्स के बनाती हूँ, लाइक ये नमक और अजवाइन वाले थे, मेथी के भी बनाती हूँ और ग्रीन भी बनाती हूँ। ग्रीन वाली मतलब मोस्टली बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी होती है, प्रॉपर आटे और सूजी की भी बनती है। तो ऐसे कई सारे होते हैं, ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे। मैं अपने लिए मोस्टली फैमिली के लिए ग्रीन वाली जो आटे की बनाते हैं पालक प्यूरी की, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो वो भी मैं किसी दिन आपके रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये सब मेरी फ्राई हो रही है। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना अच्छा आया है, देखिए कितनी सुंदर, मतलब दिखने में कितनी ब्यूटीफुल और कितनी यम्मी लग रही थी, और खाने में वाकई बहुत टेस्टी थी। तो इस तरीके से मैं घर पे बना के अपने ऑर्डर्स पूरे करती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं इतनी छोटी सी कढ़ाई में क्यों बना रही हूँ, बिकॉज कि छोटी कढ़ाई में तेल भी कम रहता है और फिर ये तेल रीयूज नहीं होता है। मैं चाहती हूँ कि कस्टमर को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिले, ताकि इसीलिए फिर मैं मतलब कोई कैसे कि एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा देते हैं और फिर उसमें खूब सारा तेल डाल के वो बचता है, फिर बार बार वही यूज़ करते हैं। तो मेरा मोटो होता है कि बस ये तेल अब फिर दोबारा यूज़ नहीं करना पड़े, दोबारा से मुझे फ्रेश लेना पड़े। तो यहाँ पर मैंने सबको फैला दी थी ठंडी करने के लिए। अब मैंने इस जार में रख रही हूँ मैं सारी मठिया, ताकि अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए और फिर हम करेंगे इसकी पैकिंग। तो इस तरीके से मैंने किया आज का ऑर्डर पूरा। देखिएगा कितनी क्रिस्पी बनी है ये। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और ऑर्डर से जुड़े रहने के लिए मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी मेरी डिश। तब तक कि आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।